आज आपको कोरोना से बचाव के लिए हाथ धोने का जो अनुशासन है उसके बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। कोरोना से बचने के लिए जो प्रथम रक्षा पंक्ति है, बार बार हाथ धोना साबुन से, वो हमेशा हमेशा इस्तेमाल करना है। यदि एक ही जगह पर अधिकतर व्यक्ति हाथ धोते हैं तो बेहतर है वहाँ पर लिक्विड सोप का इस्तेमाल किया जाए, अदरवाइज़ दूसरी जगहों पर साबुन से हाथ धोना, जो कि सहज ही उपलब्ध होता है, बार बार हमें करना चाहिए। जो नई कोरोना वेव आई है, जो नया कोरोना वायरस आया है, इसमें यह देखा गया है कि इसमें जो सरफेस ट्रांसमिशन, जिसको हम कहते हैं कि सतहों से फैलने का जो ट्रांसमिशन है, उसकी अपेक्षा ये हवा के द्वारा ज़्यादा फैलता है। इसलिए मास्क का इस्तेमाल करना और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नहीं जाना, ये ज़्यादा कारगर उपाय है बनिस्बत की हैंड सैनिटाइजेशन या सरफेस ट्रांसमिशन के बचाव के द्वारा जो हम करते हैं। जैसे कि देखा गया है पहले कि हम बार बार सब्जी को घर पे अंदर लेने के पहले बार बार धोना पड़ता था, है ना, बार बार सतहों को सफाई करनी पड़ती थी। इस बार जो स्ट्रेन आया है, इसका जो फैलाव होता है वो हवा के द्वारा ज़्यादा हो रहा है बनिस्बत की सतहों के द्वारा। इसलिए हमें मास्क का इस्तेमाल, सोशल दूरी बना करके रखना और भीड़ भाड़ के इलाकों पर नहीं जाना, इन बातों का ज़्यादा ध्यान रखना है। यही हमारी प्रथम रक्षा पंक्ति है कोरोना इन्फेक्शन से बचने के लिए।